जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे महाराष्ट्र में गोविंदा आला रे आला की धूम मची हुई है। इस श्रृंखला में एनआईटी कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के तत्वावधान से दही हंडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां सभी छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ सहभाग लिया। फेटरी स्थित एनआईटी कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक द्वारा हर साल जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दही हंडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहाँ छात्र एवं छात्राओं के लिए भिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन होता है। युवक एवं युवतियों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है, जहां प्रथम क्रमांक पर आने वाली टीम को 10,000 तो द्वितीय क्रमांक पर आने वाली टीम को 5,000 राशि का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ एनआईटी पॉलिटेक्निक के प्रांगण में मनाया जाता है। प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर जल्द से जल्द राहत कार्य हो, इस दृष्टि से एम्बुलेंस एवं डॉक्टर की सुविधा भी इस आयोजन के दौरान की जाती है। शिक्षा के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इसी दृष्टि से यह आयोजन किया जाता है, ऐसा प्रतिपादन कॉलेज के प्राचार्य गजानन पोटभरे ने किया है। नमस्ते, प्रणाम। हर साल हम हमारे यहाँ दही हंडी का प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। ये प्रोग्राम का आयोजन करने का हमारा उद्देश्य यही है कि अब बच्चों में जो छुपे मतलब भावनाएं होती हैं या छुपा कोई मतलब हुरूर होता है, वो सब बाहर आना चाहिए। कॉलेज में कम से कम एक दिन बच्चों को बहुत खुलने खेलने कूदने का और एक साथ मिक्स होने का, पूरा अपना एनर्जी बाहर निकालने का मौका मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हम हर साल ये दही हंडी का प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। ये प्रोग्राम पूरा 100% हम कॉलेज के तरफ से स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें दही हंडी होती है और बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं। पहला प्राइज हम बच्चों को 10,000 एक का पहला प्राइज दे रहे हैं और दूसरा प्राइज दे रहे हैं 5,000 एक का। गर्ल्स की टीम अलग होती है, बॉयज की टीम अलग होती है। गर्ल्स के लिए भी अलग से प्राइज होता है, 10,000 एक का पहला प्राइज और सेकंड प्राइज। यहाँ पे पूरा दही हांडी का प्रोग्राम जब चलता है उस समय बच्चों का सेफ्टी का भी ध्यान रखने के लिए पूरी डॉक्टरों की टीम रहती है हमारे पास में, एम्बुलेंस होती है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की भी अनहोनी घटना नहीं होना चाहिए। अगर हो गई तो उसको हमने तत्परता के साथ में एकदम टाइम पे मतलब बच्चों को ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसके अलावा दही हांडी के साथ में बच्चों को, सभी बच्चों को और सभी स्टाफ को कॉलेज के तरफ से एक पूरा लंच की व्यवस्था की जाती। इस प्रकार का आयोजन हर साल हम करते हैं। पिछले 2 साल में कोविड के वजह से बंद था, लेकिन अब कोविड के बाद में पहले बार फिर से हमने ये प्रोग्राम का आयोजन करना चालू किया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।